तो तुम जा रहे हो? जाना तो है ना, वहां जाऊंगा तो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स बनवाऊंगा, फिर तुम मेरे पास आ जाओगी, और जब तुम वहां आ जाओगी तो फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। हाँ सुंबल, क्या हुआ? खैरियत तो है ना? क्या आंटी की डेथ हो गई? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटे संभालो खुद को। जिस दिन सुंबल ने शहरयार से रिश्ते के लिए मना किया, अम्मी उसी दिन बिस्तर पे पड़ गई थी, और अब सुंबल भी डिप्रेशन में जा चुकी है। इस एक अस्मा की वजह से मेरा पूरा घर तबाह हो गया। जी नानू, बुलाया आपने? अरे हाँ बेटा, बुलाया है। ये ड्राइवर को भी अभी इसी वक्त ही बीमार होना था, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है हादी और आसमा कैसे जाएंगे। तो रिक्शे वाले को कॉल करके बुला लो। अरे किया है बेटा कॉल, उसको भी किया है, वो नॉर्थ नाजमाबाद बैठा हुआ है। ऐसा करता हूँ, मैं टैक्सी वाले को बुला देता हूँ। नहीं नहीं, मैं कैब में नहीं जाऊंगा। अरे सुनो ना बेटा, तुम खुद ही जो छोड़ा हो इन्हें। अरे उसको स्कूल छोड़ना है, उसको कॉलेज, कौन सा कोई इतना बड़ा काम है। अगर मुझे गाजी के साथ काम से जाना है अभी। बेटा शाम को चले जाना ना उसके साथ तुम। अरे ले जाओ, इस बेचारे का तो पहले इतना हर्ज हो गया है स्कूल का, आसमा बेचारी के पेपर्स हो रहे हैं। फिर दोपहर को पिक भी करना पड़ेगा। अब लेकर जाओगे तो वापस नहीं लाओगे क्या? जा मेरे, अच्छा जा ले जा शाम। अरे जो मैं आपसे प्यार करता ना, मुझे बस जीता रहे, खुश रहे। अल्लाह हाफिज। दुआ कीजिएगा पेपर अच्छा हो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा। जाओ, खुदा हाफिज। इतनी दूर गाड़ी क्यों लगाई है? जब वहां लगाते हो तो तुम कहती हो कि वहां क्यों लगाई है, इतनी देर में क्यों आई हो? पेपर खत्म हुए तो एक घंटा हो गया। जल्दी चलें प्लीज, जल्दी से चलो, जल्दी। इतनी जल्दी क्यों भाई? आज मुझे अम्मी जान को जाके बताना है कि आज मेरा पेपर सिर्फ अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। रियली? पेपर अच्छा हुआ है? इसका मतलब अब तुम खुद को सीरियस ले लो। फिर शायद मैं अपने से ज्यादा तुमको सीरियस लेने लगी हूँ, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। लेकिन सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। मतलब? मतलब ये है कि जिसके बारे में इतनी मोहब्बत से सोच रहे हैं, उसको मोहब्बत से एक बार देखना तो बनता है यार। मैं नहीं देखूं। एक बार? आई। बाज आ जाओ। नहीं देखूंगी, फिर हाथ ही पकड़ लिया। बहुत गलत था। बाज आ जाओ। Come on, Hadi. Yes, yes, yes. Very bad. You can do it. You can do it. Yes. Rim Jim ki puar aayi aur badal ghir ghir aaye. Ha 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 ha. Ha ha ha. नानो क्या बात है, आज से पहले तो मैंने आपको बारिश के मौसम में गाते हुए नहीं देखा। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। चुप रहो तुम, दाल में कुछ काला है? कुछ काला वाला नहीं, इतना अच्छा मौसम है, गीत भी नहीं गाने दिया तुमने मुझे। नानो अगर कुछ पसंद आ गया तो मुझे बता दे, न्यूयॉर्क में मैंने बहुत दोस्तों की भाग के शादी कराई है। डारो आपकी खुशी के लिए काम क्या, मैं तो अपना गला तक कटवाने को तैयार हूँ। रहने दो बस, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा गला, गाना तो गाने नहीं दिया मुझे तुमने। अरे आप गाए ना, मैं आपके साथ गाता। अरे रहने देना, खाली पेट नहीं गाया वाया जाता। अरे कहाँ गए तुम्हारे वो पकौड़े, लेकर आओ ना जल्दी से। अरे अम्मी जान पकौड़े बिल्कुल रेडी है, मैं अभी लेके आई। लाओ लाओ जल्दी लेकर आओ। शाबाश। डारो गाए ना, आपके साथ गाता हूँ। अच्छा रिम झिम रिम झिम बादल बरसे। वाओ रिम झिम रिम झिम, 1 2 3 4 रिम झिम, साउंड ऑफ द सीजन। ये क्या था? ये रिमिक्स है, रिमिक्स थोड़ा फास्ट होता है ना, पुराने गाने आपके टाइम के इतने डल है। फास्ट होता है
देखा नानो, मुझे बादल के गरजने पे एक शेर आता है, सुनो। इरशाद इरशाद। बादल यूं गरजता है, वाह, डर कुछ ऐसा लगता है, ओहो, गरज गरज के चमक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। गर्मा गर्म पकौड़े लाओ भाई, लाओ भाई, लाओ, पकौड़े आ गए। इस मौसम में गरम गरम पकौड़ों का तो मजा ही कुछ और है। गर्मा गर्म पकौड़े और बहू के हाथ की बनी हुई चाय। वो हाँ, मैं चाय लेके आती हूँ अम्मी जान। What do you mean, शहरयार? अरे नानो, पहले याद ही टीवी पे ऐड आता था गर्मा गर्म पकौड़े और भूत भूत कह रहा सबसे तुम भी ना शरारत की इंतहा है तुम्हारी, पता नहीं कहाँ से ढूंढ लाते हो सारी चीजें। चलो खाओ पकौड़ा खाओ। बस अब सुंबल मेरे शहरयार की है, आपको उसके लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखें, आप एक बार अच्छी तरह से सोच लें और शहरयार मियां से भी खुलकर बात करें, क्योंकि आजकल वो जमाना नहीं कि वालदेन अपनी मर्जी से बच्चों की शादियां तय करें। मेरे बच्चे अभी भी बड़ों की मर्जी पर चलते हैं। आपने देखा नहीं, सलाद की शादी भी मैंने अपनी मर्जी से ही की। माफ कीजिएगा, मुझे सालार और शहरयार के मिजाजों में बहुत फर्क महसूस हुआ है। अरे नहीं भाई साहब, आपको वहम हो रहा है। अच्छा, अगर मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा ना, तो फिर मैं इस बात को पक्का करती हूँ। तुम फजूल में इतना सोच रही हो सुंदर, शहरयार अच्छा लड़का है, तुम्हें खुश रखेगा। क्या वो मेरे साथ खुश रह सकेगा आगे? क्यों नहीं रह सकेगा, क्या बुराई है तुम्हें, इतनी अच्छी तुम्हें। आप ही अच्छे होने और अच्छे लगने में बहुत फर्क होता। अच्छा फजूल बातें मत करो, अल्लाह मियां सब ठीक कर देगा। आप ही आप क्यों भूल रही है कि वो किसी और को पसंद करता है। करता था, अब वो सिर्फ तुम्हारा। मुझे तो लगता है आप लोग ये रिश्ता जबरदस्ती करा रहे हैं। तो ठीक है, मुझे दे दो, मैं वापस कर देती हूँ अंगूठी, मना कर दूंगी उन लोगों को। मैं नहीं चाहती तुम्हारे साथ या उसके साथ कोई भी जबरदस्ती हो। बोलो, कर दूं वापस? जवाब दो। रिश्ते नाते ये सब अल्लाह मियां बनाता है, हम इंसान कुछ भी नहीं कर सकते। और तुम्हें क्या लगता है, हम शहरयार से जबरदस्ती शादी करवा सकते हैं? वो हमारे कहने पे तुमसे निकाह कर लेगा? ऐसा कुछ नहीं। तुम क्यों सोच रही हो इतना?
लो और नहाओ जाके बारिश में। कितना मना कर रही थी मैं, कितना कहा था मैंने कि मत इतनी देर तक बारिश में रहो, अरे यहाँ सुनता कौन है मेरी। आज चलो तुम भी शुरू हो गए, पकड़ो। नाना मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे तो इससे लग गया, इसको डांटे। अरे इसको तो दो लगाऊंगी मैं भी, तुम्हें पता है तुम्हें एलर्जी है। चलो हादी स्टीम ले लो। अरे शहरयार उठो बेटा, टेबल रखो यहाँ पर। नहीं मैं स्टीम नहीं लूंगा। नहीं मैं स्टीम नहीं लूंगा। क्यों नहीं लोगे तुम स्टीम? चलो जाना, आप इसको सरा डांटे नहीं, स्टीम लेगा हादी, मेरी बात तो सुनेगा। अरे चलो ना जल्दी से, शाबाश शाबाश, चलो जल्दी से, शाबाश शाबाश। कैसे लो स्टीम, क्या कर रहे हो? तो भाई कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे, माँ है ना यहाँ पर, मेरे सर के ऊपर सारी मुसीबतें। ऐसा करो। क्या करूं? क्या करूं? मैंने कुछ कहा है अभी? अरे हाँ हाँ, मैं कह रही थी कि इस बच्चे ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। अरे क्या कहेगी इसकी माँ, चार दिन जो है वो दादी ख्याल ना रख सकी बच्चे का, बीमार हो गया है, इतनी तबीयत खराब हो गई। अरे क्या जवाब दूंगी मैं उसको आखिर? अम्मी जान आप इतनी फिक्र नहीं करे ना, स्टीम ले रहा है, हो जाएगा ठीक। और दानो अगर ये ठीक नहीं हुआ ना, अभी इमरजेंसी में ले जाके ना इसको इंजेक्शन लगवाता हूं। नहीं नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नहीं नहीं मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। जॉयस के लिए जोशांदा बना कर लाओ। मैं करवा जोशांदा? नहीं मैं नहीं पीऊंगा, नहीं जोशांदा मैं नहीं पीऊंगा, दादी जान मैं नहीं पीऊंगा। अरे तो बारिश में नहीं नहाना था ना। अच्छा काम करते ना, तुम मुझे कल कह रहे थे ना कि तुम्हारी अस्मा अच्छा सूप बनाती है, सूप पी लेते। हां कौन सूप पी लूंगा मैं? आप सूप बना देंगी ना? जी बना दूंगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। जा बेटा जा बना के ला, शाबाश। उफ अल्लाह। एक्सक्यूज मी, सूप दो बनाइएगा, मैं भी पीऊंगा। थैंक यू। शहरयार जरा वो बाम तो पकड़ाओ मुझे, जरा मैं इसको लगाऊं थोड़ी सी। थैंक यू। आपकी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आई नो, मुझे तो एक तीमारदार की भी जरूरत पड़ेगी, पर मैंने सुना है बीवियां बड़ी अच्छी तीमारदार बनती हैं। मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ। सूप तुम अपने हाथों से बनाओगी और अपने हाथों से मुझे बुलाओगी? मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। हाँ क्यों नहीं पिलाओगी? वैसे भी फिलहाल मेरा तुमसे ही निकाह हुआ है। फिलहाल से क्या मतलब है आपका? अब इस फिलहाल का जो मतलब है ना, सूप लेके कमरे में आओ तो बताता हूँ। मैं हादी को मेडिसिन पिला के ना रूम में चला जाऊंगा। हाँ लेकिन शहरयार, आई एम वेटिंग। मुझे अब जाना चाहिए। अम्मी जान मुझे अपने कमरे में ना पाकर बहुत परेशान होंगी। कितनी फिक्र है ना तुम्हें नानों की, और मैं जो तुम्हें यहां से बेचकर बेचैन हो जाऊंगा, तनाव हो जाऊंगा, उसका नहीं सोचा तुमने? इस तरह तनहा बैठ कर बातें करना, चुप चुप कर मिलना ठीक नहीं है। मैं जाती हूं। कल मम्मी वापस आ रही है और फिर शायद इस तरह मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तुम्हें बताया नहीं, मैं दो दिन के बाद
तुमसे बहुत दूर जा रहा हूं। तुम दो दिन के बाद चले जाओगे? भी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कैसे रहूंगा तुमसे बात किए बगैर, तुम्हें देखे बगैर। खुद हार सोचा मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बगैर, सिर्फ अपने बारे में सोच लिया। हर वक्त तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता, हर घड़ी हर पल यहां तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता, इतनी दूर जाके कैसे रहूंगा। इस बार में रोज तुम्हें फोन करूंगा, हर घड़ी तो मेरा हर फोन उठाओगे। फोन पे बातें करने से उदासी खत्म हो जाती है। उदासी नहीं खत्म होगी, कम से कम फोन पे एक दूसरे को देख कर, एक दूसरे की आवाज सुनकर, जब तक मिल नहीं जाते तो कुछ हौसला तो मिल जाएगा ना जी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकूंगी, और प्लीज मुझे धोखा नहीं देना, मुझे धोखा नहीं देना। कोई नहीं है तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में। मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे, I love you. तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। क्या देख रही हूँ? इंतजार कर रही हूँ। मोहब्बत भरी जिंदगी की खूबसूरत सुबह का। मैं तुम्हें यकीन दिलाता, बहुत जल्द हमारी जिंदगी की आने वाली हर सुबह इस सुबह से कहीं ज्यादा खूबसूरत होगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी जिंदगी में अचानक से इतनी सारी खुशियां आ जाएंगी, किसी के लिए मैं इतनी अहम होंगी, कोई मुझे इतना चाहेगा, मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो ना, मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं अस्मा, इस जिंदगी में तो नहीं, लेकिन अगर मेरी जिंदगी ने मुझे धोखा दे दिया तो। अल्लाह करे कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तुम्हारी उम्र नहीं चाहिए मुझे, क्या लगता है तुम्हें अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी पाऊंगा? तुम्हारे बगैर मैं एक पल भी जिंदा नहीं रहूंगा। तुम्हारे बगैर तो मेरा वजूद ही मुकम्मल नहीं है। जानती हूँ मगर
हमारी जिंदगी की पहली खूबसूरत सुबह को साथ दे। तू करीब इतना मुझे शाम सैर लगता है, दिल की शाखों पे मोहब्बत का समर लगता है, देखी अनदेखी बहारों का असर लगता है, और कुछ खुशियों के चिन जान का डर लगता है। कुछ भी नहीं आतिश इश्क ऐसी के बचा कुछ भी नहीं। गुड मॉर्निंग नानो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा है मेरा बच्चा। वाह, लेकिन एक बात है, गुड मॉर्निंग नहीं होगा, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, खुश रहो। अल्लाह तेरे शुक्र है, मेरा बच्चा तो नमाजी हो गया। नानो, जब अल्लाह मियां इतना मेहरबान हो तो उसका शुक्र तो अदा करते रहना चाहिए। अरे हमें भी तो पता चले, ऐसी क्या खुशी मिली मेरे बच्चे को जो मेरा बेटा शुक्राने की नफल अदा करने मस्जिद पहुंच गया। अरे बेटा ऐसा करो, नाश्ता टेबल पे लगा दो, मैं और शहरयार इकट्ठे नाश्ता करें। जी नानो, बस जो मैं चाहता था ना वो मुझे मिल गया। क्या मतलब है तुम्हारा, क्या चाहते थे तुम? नानो मुझे ना मेरी पसंद की शहरयार नानो जॉब मिल गई, जस्ट अ जॉब नानो, न्यूयॉर्क में। आई एम टेलिंग यू नानो, ऑनेस्टली प्लीज नानो, ये गन का रुख कहीं और कर ले। आपकी दुआओं से मिली है। बहुत तुम शरीर हो गए हो, नानो को इतना तंग करते रहे। लेकिन नानो यू हैव टू कम टू न्यूयॉर्क एंड सी मी। शहरयार पता है ना आज नौरीन वापस पहुंच रही है? जी नानो पता है। अम्मूजान नाज़े भाभी भी क्या वापस आ रही हैं? अरे हाँ बेटा, क्या करें, अब नौरीन ने वापस भी जाना है अमेरिका, इसलिए वो भी वापस आ रही है बेचारी। नानो एक तो मैं यहाँ की ना फॉर्मेलिटी से परेशान, अभी मामी को वहीं रहना चाहिए था, उनके वालिद और बहन इतने उदास होंगे, वो सिर्फ इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें हमें सी ऑफ करना है और कोई वजह नहीं है। कहते तो तुम ठीक हो बेटा, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ के खानदान का निज़ाम, रिश्ते निभाना, अरे हमारी बहू बेटियों को बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा भाई तुम ना अपनी बीवी के साथ होने देना ये ज्यादती, बस। मैं अपनी बीवी के साथ इस किस्म की कोई ज्यादती नहीं होने दूंगा, उसके पूरे राइट्स उसको दूंगा। अरे अल्लाह तुम्हारा घर आबाद करे बेटा, जो दिल चाहे करना, जैसे दिल चाहे रखना, बस। अम्मीजान आपकी चाय। सुनो जी, मुझे भी चाय पीनी है। जी अभी ला देती हूँ। नानो, इसका रिक्शे वाला आएगा ना आपसे? अरे कहाँ बेटा, जब से वो बीमार हुआ है कहाँ आया वो, कोई भी नहीं। अरे एक दिन की बात है बच्चे, आज ड्यूटी निभा दो, इसके इम्तिहान भी खत्म हो जाएंगे, फिर ये बेचारी आती जाती कहाँ है, घर में पड़ी रहती है। चलो ठीक है, आप कह रही है तो मैं ड्यूटी पूरी कर दूंगा, वरना मुझे अपने भी बड़े काम थे। खैर जाओ बेटा, तुम तैयार हो जाओ जाकर जल्दी से। कुछ खा नहीं रहे? अब मैं खाता हूँ। ये देखो, इसको कहते हैं मोबाइल फोन, इस पे होता है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप पे होती है वीडियो कॉलिंग, और मैं तुम्हें डेली वीडियो कॉल किया करूँगा। इस फोन में आपकी तस्वीर होगी, आप जिस तरीके से मेरे सामने हैं इस तरह तो नहीं होंगे ना? ये तो है। अच्छा ये बताओ,
मुझे मिस कितना करोगी तुम? मेरे पास आपको याद करने के सिवा और काम ही क्या होगा? आपको बहुत मिस करूंगी। काम तो तुम्हारे पास बहुत है, मैंने तो कभी तुम्हें फारिग बैठे हुए नहीं देखा। वो काम नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, ये जिम्मेदारियां तुम्हें बस कुछ ही दिन और उठानी, और फिर मैं तुम्हें किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। मैं तुम्हें इतने सुख इतनी खुशियां दूंगा, तुम अपनी पिछली जिंदगी के सारे दुख भूल जाओगे इंशाल्लाह। मैं आपसे एक बात कहूं, मेरी बात मानेंगे? हुक्म कर। आज शाम को आपकी अम्मी और नाजिया भाभी आ रहे हैं, जरा मोहतात रहिएगा प्लीज। मोहतात? काम जरा मुश्किल है लेकिन कोशिश पूरी करूं। मौत तो बरहक है बेटा, बस अल्लाह से ये दुआ है कि खुदा तुम्हारी माँ को जन्नत में जगह दे इंशाल्लाह। अम्मा जान कभी सोचा ही नहीं था कि अम्मी इस तरह हम सबको छोड़ के चली जाएंगी। जो अल्लाह का हुक्म, बंदों को तो खुदा का हुक्म मानना ही है ना। माँ के जाने का गम तो बहुत बड़ा होता है, इंसान कभी प्रिपेयर नहीं होता उसके लिए। ठीक कह रही, बस मुझे तो ये ख्याल आ रहा है बार बार तो सुम्बुल अकेली रह गई है, अरे माँ के साथ हर वक्त लगी रहती थी। और तुम्हारा तो माशाल्लाह घर बार है, औलाद है, शौहर है, तुम उस पर मसरूफ रहती हो। अच्छा होता उसकी भी शादी हो जाती मेहताब के सामने। हो जाएगी उसकी भी शादी, आप उसकी फिक्र ना करें। अच्छा, क्या कहीं बात तय हो गई है उसकी? हाँ चल रही है बात एक जगह। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह से दुआ है वो हमेशा खुश रहे, शादो आबाद रहे, मेहताब की रूह को भी सुकून मिलेगा। संभालो खुद को। आपको बहुत मिस करूंगी अम्मा, बस अब आप अपना ख्याल रखना। अरे मैं तो रख लूंगी अपना ख्याल, अब तुम भी वापस जाके मशीन मत बन जाना, ख्याल रखना अपना। बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जॉब वॉब छोड़ो, घर बैठो आराम से, अब तो माशाल्लाह तुम्हारे दोनों बेटे कमाने लग गए। वो तो मैं खुद को मसरूफ रखने के लिए करती थी, वरना सालार ने तो अपनी जॉब लगते ही मुझे कह दिया था कि अब मैं रिजाइन कर दूं। भाई वैसे माशाल्लाह तुम्हारा सालार है बहुत प्यारा बच्चा, बहुत फर्मा बरदार, प्यार करने वाला। शहरयार भी ऐसा ही है, तबीयत जरा खिलंडरी है उसकी, लेकिन ठीक हो जाएगा जैसे ही उस पर जिम्मेदारी पड़ी। अरे बेटा सुधर तो वो अभी से क्या है, और पिछले 4 दिनों से तो मुझे बड़ा जिम्मेदार भी लगने लगा है। अच्छा? अरे जब से उसकी जॉब कंफर्म हुई है बड़ा संजीदा हो गया है और खुश भी बहुत है। और पता है तुम्हें कुछ, अरे आज सुबह तो मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा था वो। वाकई? हाँ हाँ बिल्कुल। अब तो तुम कोई अच्छा सा खानदान देखो, प्यारी सी लड़की से उसका रिश्ता तय कर दो। वो अम्मा मैंने उसकी बात ठहरा दी है। अरे कहाँ, और मुझे बताया तक नहीं तुमने? नहीं मैं आपको बताने ही वाली थी, सुम्बल के साथ। सुम्बल से? अगर नौरीन सुम्बल से शहरयार शादी नहीं करना चाहता? वो उसका जज्बाती फैसला था, अब मैंने सुम्बल को शहरयार के नाम की अंगूठी पहना दी है। बहुत अच्छी बच्ची है, मुझे बहुत पसंद है, नेक है, घर की है, देखी भाली है, बस मैं जबान दे आई। भाई खुदा करे कि शहरयार इस रिश्ते को निभा ले। देखो बेटा घर की बच्ची है, अगर दूसरी बार भी उसको दुख पहुंचा ना तो ये बहुत बुरी बात हो जाएगी, और कहीं रिश्तेदारी ना खराब हो जाए। नहीं नहीं बस आप दुआ कीजिए। वैसे ये शहरयार और आसमा में कोई रابطہ तो नहीं हुआ ना मेरे पीछे? अरे नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है उन दोनों के बीच में। भाई शहरयार को तो मैंने समझा दिया था, वो समझ गया। आ गई उसको समझ। आपने देखा अम्मा जैसे उसकी जॉब लगी है, वो वापसी के चक्कर में बिल्कुल भूल गया आसमा को। बस तुम ज्यादा वहम ना किया करो,
इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। सुनिए शहरयार, जब आप चले जाएंगे तो मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना? तुम्हें भूल के मरना है मैंने? तो मरने की बातें क्यों करते रहते हैं? असल जो लोग मोहब्बत करते हैं ना, वो अपने महबूब पे हर वक्त हर घड़ी मरते ही तो रहते हैं, और इसी मरने में उन्हें जीने का एहसास होता है। और जो लोग मरने से नहीं डरते ना, वो अपने जज्बों में सच्चे होते हैं और कभी बेवफाई नहीं करते। शुरू हो गई दोबारा से फिल्मी डायलॉग। फिल्मी बातें नहीं कर रहा था, सच बोल रहा हूँ। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी मोहब्बत में मेरी उर्दू बहुत अच्छी हो गई। अस्मा शहरयार, एक बात तो बताओ, अभी तो मैं गया नहीं, हम दोनों एक ही घर में एक ही छत के नीचे, ऊपर अलग अलग क्यों? वो इसलिए कि जब हमारी सुबह सूरज तुलु होने के साथ इकट्ठे हो सकते हैं, तो फिर इस खूबसूरत तारों भरी रात में हम जुदा जुदा क्यों रहे? छत पे वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, जल्दी से। अरे शहरयार, तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। तो फिर मैं वापस चली जा रही हूँ। खबरदार। क्यों बुलाया मुझे? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल। मैंने तुम्हें बुलाया क्यों था? कोई बात तो थी। मतलब कोई बात नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे एक बात थी, मुझे ना तुम्हें वो वाला तारा दिखाना था। क्या हुआ? तुम ये बावर नहीं किया करो शहरयार। प्रॉमिस। मूड तो अच्छा कर रहे हैं, उदास होने वाली इसमें कौन सी बात है? और ट्रस्ट मी, थोड़े दिनों में मैं आपको अपने पास बुला लूंगा। अरे बेटा, अब मुझ में कहां इतनी हिम्मत जो मैं इतना लंबा लंबा सफर कर सकूं? और वैसे भी मेरी कौन सी उम्र है अब जाके एडजस्ट करूं? नया मुल्क, नया माहौल, मुख्तलिफ मौसम, मैं सब ये नहीं कर सकती। अरे बस तुम लोग ही जल्दी जल्दी चक्कर लगा लिया करना ना। वैसे अम्मा, वहाँ की तन्हाई, वहाँ का मौसम अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। सोचती हूँ शहरयार की शादी के बाद मैं यहाँ आ जाऊँ आपके पास, यहीं रह जाऊँ। अच्छा, रह लोगी तुम अपने बच्चों के बगैर? आपने भी तो मेरे बगैर पूरी उम्र गुजारी है ना, अब बाकी की उम्र हम दोनों माँ बेटी साथ गुजारेंगे। जी जी, अरे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी जल्दी कपड़े सी दिए, थैंक यू। नौरीन आपा, आपके कपड़े सिल गए। शुक्र, थैंक गॉड, आपके कपड़े सिल गए। अच्छा ठीक है, मंगवा लो, मेरे कमरे में रखवा दो प्लीज। प्लीज नाजिया, और तुम क्या हर वक्त ये टेबल साफ करती रहती हो? जाओ अंदर जाके किचन का काम देखो। तुम लोगों की टिकट्स आ गई कल शाम की? नहीं, कल दोपहर की। क्या हुआ है? अरे कितना खून बह रहा है,
जाके बैंडेज लेके आऊं जल्दी से। नहीं साथ में ठीक हो जाएगा। रुको, खून ज्यादा बह रहा है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। जल्दी से गाड़ी निकाल। नहीं हो जाएगा। ओह क्या हो गया साद, आपको बैंडेज कर दें ठीक हो जाएगा। साद हद है वैसे। अरे ले जाने दो ना उसको, डॉक्टर को दिखा के ले आए। देखा नहीं तुमने कितना खून बह रहा था उसके हाथ से? कुछ भी नहीं हुआ अम्मा जान, जरा सी चोट थी, बैंडेज लगता सब ठीक हो जाता। कुछ तो खुदा का खौफ करो बेटा,